It's an emotion, it's a feeling of dance, drama, action, which is unique to India and loved by all. So sit, relax and get ready to get excited for all the glitz and glamour of Bollywood. तो चलिए चलते हैं हमारे अगले परफॉर्मेंस की ओर. वैसे आप सब ने ये गाना तो सुना ही होगा. हंसते हंसते कट जाए रसते, जिंदगी यूं ही चलती रहे. और जिंदगी यूं ही चलने के लिए हंसना बहुत जरूरी है. वैसे आज हमारे बीच एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद है जिनको आपने बहुत सारे शोज में देखा होगा. पता नहीं क्यों ये खुद को मशहूर कहते हैं. इनका तो खुद का ना कोई क्लिनिक है ना कोई हॉस्पिटल है, पर न जाने क्यों ये खुद को डॉक्टर कहलाते हैं. और गुलाटियां तो इन्होंने इतनी मारी है कि इनका नाम ही गुलाटी पड़ गया. तो क्या आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? कौन? तो क्या करें, डॉक्टर साहब को बुलाया जाए? आवाज से तो नहीं लग रहा है यार. सोचती हूँ बुलाओ कि नहीं, क्योंकि आधे लोग तो यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं नींद आ रही है यार. क्या पकाएगा, बुला जल्दी. आधे लोगों का ऐसा है कि हाँ ठीक है, इसके बाद कौन सा शो होगा, हम कहाँ पे जाके बैठेंगे, क्या करेंगे, राइट? है कि नहीं? और बच्चों के तो मजे है, वो अपने इसमें है. तुम कुछ भी करो, हमें क्या, हमें पॉपकॉर्न मिल गया बस हो गया, राइट? तो ठीक है, अगर आप यहाँ पे आज हो तो मुझे लगता है कि आप बॉलीवुड के बहुत ही चाहते होंगे, है कि नहीं? तो मैं एक डायलॉग बोलती हूँ, आपको आधा डायलॉग कंप्लीट करना है, रेडी? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, बड़े 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 देशों में ऐसी, आधे लोग तो ना ऐसे वो बैक बेंचेस में होते हैं क्लास तो बोल रहे, मैं भी बोलता हूँ, कौन सा समझ में आएगा. तो ठीक है, डॉक्टर साहब कहाँ है हमारे, डॉक्टर साहब कहाँ हो आप? हम तो लोगों के दिल में आते हैं, समझ में नहीं. तो मेरा दिल था के रखे एक शायरी के साथ अर्ज किया है, वाह वाह तो बोलिए, वाह वाह जोर से बोलो, वाह वाह.